आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली फ्रॉम क्यूट प्रिंसेस की फैमिली से। मैंने आज बहुत सारे डेकोरेशन किए हैं जो आपको दिखाऊं। सो हमारी स्टार्टिंग होती है बाहर से, तो ये डेकोरेशन हमने की है, थोड़ी बहुत की है क्योंकि मैं पिछली बार बहुत ज़्यादा करती थी। ये देखो फ्रेंड्स, हमने डीएस लगाए हैं क्योंकि कल था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, वो फर्स्ट दिन था और आज छोटी दिवाली है, तो इसलिए हमने आज भी लगाया। और ये अब हम एंटर करें अपने घर में, तो फिर हमारे पास आते हैं डेकोरेशन। ये ना मटकी में से मेरा आइडिया नहीं था, ये मम्मी का आइडिया था कि निकलता हुआ ऐसे ऐसे कुछ होता है। उसके बाद ये रंग, ये मतलब फ्लावर से मैंने बनाई है, मैंने फ्रेंड्स मैंने बनाई है एक, मतलब डेकोरेट करने के लिए। उसके बाद ना हमारे पास अब और हमने जो डेकोरेट किया ना, एक तो मैं बालकनी की लाइट्स की थी, तो वो ना यानी कि बालकनी की लाइट्स की थी तो वो मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स में दिखा दी थी। तो अब हम ना आपको मतलब मंदिर के डेकोरेशन दिखाते हैं। चलते बनो चलते बनो, तो हमारे पास ये आता है एक छोटा सा, पता नहीं क्या होता है ये, यहाँ पे फिर आराम से हम जाएंगे। ये हमारा एंट्रेंस है, तो हमारा एंट्रेंस है आने का मंदिर में। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे गुरु महाराज जी दिखते हैं, इसके बाद ये सब है, ये देखो। और इस पर एक स्पेशल बात बताऊँ, यहाँ पे लाइट्स है, ये इसका कनेक्शन है। एंड यहाँ पे ये और देखो टेबल है, ये हमारी पिक्चर्स है यहाँ पे पूरी लगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स, कमेंट अस डाउन। एंड ये है, यहाँ पे हमारे पास मोड़े रखे हैं, यहाँ पे हमने डेकोरेटिव आइटम रखा था, इसे भी हमने डेकोरेट करना था पर मैंने अभी किया नहीं है। एंड फ्रेंड्स अपना बहुत ही ज़्यादा हो गया कुछ, तो अपना एक काम करते हैं, हम वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। और आप भी अपने घर पर ना इतनी सुंदर डेकोरेशन करना। एंड हैप्पी छोटी